सिटीजन करघा औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति खेकड़ा बागपत द्वारा आयोजित 15 दिवसीय भारतीय हस्तशिल्प मेला 2018 का उद्घाटन बीती शाम 21 अक्टूबर 2018 को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद के प्रांगण में माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक शहर उत्तरी एवं प्रख्यात समाज सेवी श्रीमती जमुनोत्री गुप्ता के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मेला आयोजक प्रमोद कुमार बाबू खान तथा मेला के सांस्कृतिक सचिव संयोजक संजय पुरुषार्थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी स्वाति निर्खी, डॉक्टर आभा श्रीवास्तव, अमित शर्मा तथा अर्थ 24 की डायरेक्टर निशी केसरी ने मुख्य अतिथि सांसद जी से फीता कटवाकर उद्घाटन करवाया। तदुपरांत मेले में हस्तशिल्प निर्मित सामग्रियों से सजी दुकानों का अवलोकन कराया और मुक्ताकाशी मंच पर दीप प्रज्वलन करवाकर विधिवत भारतीय हस्तशिल्प मेला 2018 का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र का मंच संचालन गीतकार शैलेंद्र मधुर ने किया, जबकि स्वागत उद्बोधन प्रमोद कुमार ने किया। अपने आशीर्वचन में मुख्य अतिथि ने कहा कि यह मेला कई मायनों में इसलिए खास है कि इस मशीनीकरण के दौर में हस्तशिल्प कला को प्रमोट करना भारत की प्रतिभाओं को प्रमोट करना है। मुख्य अतिथि के आशीर्वचन के बाद 15 दिनों तक प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रंगारंग प्रस्तुतियों के क्रम में पहले दिन मशहूर लोक नृत्यांगना एवं नृत्य निर्देशिका सुश्री पूर्णिमा के ग्रुप द्वारा लोक नृत्यों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान और मणिपुर राज्यों के लोक नृत्यों के साथ ही सूफी गायन पर अनूठा भाव नृत्य देख दर्शक वाह वाह के साथ तालियां बजाते रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मंच संचालन विवेक रंजन सिंह ने किया। अंत में मेला आयोजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी स्वाति निर्खी ने कलाकारों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया।